हाय स्टूडेंट्स, मैं हूँ राजेंद्र पटेल और आप देख रहे हो मेरी चैनल लर्न फिजिक्स विथ राजेंद्र सर। आज हम चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वैसे बोर्ड के एग्जाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज हम इसकी पूरी थियरी और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन, थियरी कैसे लिखनी है ये भी मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है और उसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको आज बताऊंगा कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है। तो पहले हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है उसके बारे में समझ लेते हैं। जनरली रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट हम देख चुके हैं। रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में क्या था कि अगर कोई मीडियम, कोई रे एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये भी एक बात है। अब उसका अलग मीनिंग मैं आपको बताऊँ रिफ्रैक्शन का, तो जब भी कोई रे एक मीडियम में से, मान लो कि एक मीडियम है, एक दूसरा मीडियम है, जब एक मीडियम में से दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है कि उसका अमुक भाग, उसका थोड़ा सा हिस्सा जो आगे जाएगा, मतलब वो हो जाएगा रिफ्रैक्शन हो जाएगा, और थोड़ा बहुत भाग जो होगा वो रिफ्लेक्शन होगा। मतलब पार्टली रिफ्रैक्शन, पार्टली रिफ्लेक्शन, क्लियर। अब हम बात करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात। तो जब भी कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस, मतलब ट्रांसपेरेंट सरफेस है, क्लियर, क्योंकि जब स्मूथ सरफेस होती है तब तो रिफ्लेक्शन होता ही होता है, उसमें तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की बात ही नहीं है क्योंकि उसमें तो रिफ्लेक्शन होता ही है। लेकिन हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वर्ड कब यूज करेंगे, जब कोई ट्रांसपेरेंट सरफेस है, तब अगर टोटली जो रे है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आते हैं, वो आगे के मीडियम में नहीं जाते हैं, तभी हम उसको क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप थोड़ा बहुत समझ लो कि रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि यहाँ पर आप, मैंने एक रे ड्रॉ किया है कि ये रे मान लो कि यहाँ पर गया, क्लियर, यहाँ से गया तो वो आगे के मीडियम में भी गया है, थोड़ा बहुत उसका हिस्सा जो है वो आगे के मीडियम में गया, मतलब रिफ्रैक्शन हुआ, और थोड़ा बहुत जो वो नीचे आया, मतलब वो रिफ्लेक्शन भी हुआ, क्लियर। तो थोड़ा बहुत, मतलब पार्टली रिफ्लेक्शन, पार्टली रिफ्रैक्शन। लेकिन कुछ ऐसा टाइम आता है ट्रांसपेरेंट सरफेस होते हुए फिर भी, मैं क्लियर कट वर्ड यूज करता हूँ, ट्रांसपेरेंट सरफेस या फिर बोलो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हुए भी अगर कुछ टाइम ऐसा आए कि वो जो रे है वो आगे के मीडियम में ना जाते हुए वही मीडियम में वापस आए, तो इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो आपको ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या है वो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। तो पहले हम डेफिनेशन की बात करें, उसके बाद मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। तो अगर आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की थियरी लिखनी है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन लिखने पड़े। तो डेफिनेशन की बात करें तो व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम। अब मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन वाला कॉन्सेप्ट था उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई रे डेंसर में से रेयर मीडियम में जाता है तब क्या होता है, वो नॉर्मल से दूर भागता है, मतलब उसका आर जो होगा वो आई से ज्यादा होगा, और जब आर इज ग्रेटर देन आई होता है तब जो रिफ्रैक्टेड रे होगा वो नॉर्मल से अवे जाएगा, ये भी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। तो यहाँ पर समझो कि व्हेन लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम एन ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब डेंसर मीडियम में से रेयर मीडियम में जाता है तो इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम, क्लियर। तो क्या होता है, उस वक्त थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट होकर वापस आता है, थोड़ा बहुत हिस्सा जो है वो ऊपर चला जाता है। लेकिन अगर उसका पूरे का पूरा हिस्सा जो है वो नीचे ही आए तो इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। यहाँ पर उसका जो, इट इज पार्टली रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द सेम मीडियम एज वेल एज पार्टली रिफ्रैक्टेड टू द अनदर मीडियम, बट जब टोटली रे जो है वो नीचे आ जाए, मतलब पूरे का पूरा रिफ्लेक्शन ही हो, तो उसी को क्या बोलेंगे हम,
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, दिस रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं, हम यहाँ पर थोड़ा बहुत डायग्राम मैंने बनाया हुआ है उसको समझ लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ जाए। क्या करना है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम ए डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। मैंने आपको बताया कि जैसे वे रे जो है वो डेंसर में से रेयर में जाता है तब क्या होता है वो नॉर्मल से अवे जाता है। तो यहाँ पर समझो पहले कि मैंने पहले ये जो है वो रे इस तरीके से इंसिडेंट करवाया है। तो यहाँ पर आप देखो कि ये इंटरफेस है, क्लियर। यहाँ पर एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर वाटर मीडियम लेते हैं, यहाँ पर एयर मीडियम, तो ये जो इंटरफेस होगी उसको बोलेंगे हम वाटर एयर इंटरफेस। तो जब भी रे जो है वो ऐसे इंसिडेंट होता है तो क्या होगा कि उस वक्त एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा क्योंकि परपेंडिकुलरली वो इंसिडेंट हो रहा है, मतलब ये नॉर्मल ये इंसिडेंट रे दोनों दोनों सेम डायरेक्शन में है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो होगा। और हमारा जो स्नेल्स लॉ उसके अकॉर्डिंग एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, अगर आई जीरो है मतलब ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, एन टू तो जीरो है नहीं मतलब साइन आर जीरो होगा, और साइन आर जीरो है मतलब क्या हो जाएगा आर जीरो हो जाएगा। अब आर जीरो है तो रे जो होगा वो रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पे जाएगा सीधे सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पर जब नॉर्मली मतलब आप ऐसे ही इंसिडेंट करवाते हो तब रे जो होगा वो सीधे सीधे जाएगा, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। रिफ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मैंने आपको ये भी बताया था कि ऑब्लिकली मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, जब ऑब्लिकली हम इंसिडेंट करवाते हैं तभी ना तभी रे जो होगा वो डायरेक्शन चेंज करेगा, अदरवाइज आप सीधे सीधा इंसिडेंट करवाते हो तो वो अपने डायरेक्शन चेंज ना करते हुए सीधे सीधा चला जाएगा। अब बात करते हैं, थोड़ा बहुत एंगल बढ़ाया, मतलब एंगल पहले कितना था आई बराबर जीरो था, अगर हम इस तरीके से इंसिडेंट करवाते हैं ऑब्लिकली तो क्या होगा ये नॉर्मल है, क्लियर। जिस पॉइंट पर इंसिडेंट हो रहा है वहां पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दोनों के बीच का एंगल जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है लेकिन डेंसर टू रेयर है तो क्या होगा आर जो होगा वो आई से बड़ा होगा, तो ये जो रे है वो थोड़ा बहुत अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, तो ऐसा दूर भागेगा तो इस तरफ जाएगा। अगर मैं आई की वैल्यू इससे भी बढ़ाता हूँ मतलब इंक्रीज करता हूँ, तो यहाँ पर इंसिडेंट करवाया तो यहाँ पर जो आई मिलता था उससे ये जो आई होगा वो ज़्यादा होगा, अब आई की वैल्यू बढ़ी तो सामने उससे भी आर की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो ये जो रे होगा वो नॉर्मल से ज़्यादा दूर जाएगा। समझ में आ रहा पूरा? सेम थिंग, अगर यहाँ पर मैंने आई की वैल्यू यहाँ से थी उससे भी बढ़ाई तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो उससे भी बढ़ेगा, और उसकी वजह से कुछ टाइम ऐसा आया कि यहाँ पर रिफ्रैक्टेड रे जो है वो इंटरफेस के पैरेलल में चला जाएगा, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल जो होगा वो कितना होगा 90 होगा। तो यहाँ पर रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है और ये जो रे है वो किस तरफ चला गया इंटरफेस के पैरेलल में, मतलब ना रिफ्लेक्शन ना रिफ्रैक्शन। अगर हम ये सिचुएशन के बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा बहुत भी इंक्रीज करते हैं तो यहाँ पर मैंने इससे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो बढ़ाया है तो क्या होगा उस वक्त ये जो रे है वो आगे वाले मीडियम में ना जाते हुए वही मीडियम में क्या हो जाएगा वापिस आएगा, मतलब टोटली रिफ्लेक्शन होगा, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यहाँ पर आप देखो थोड़े बहुत रे मैंने आपको रिफ्लेक्टेड बताए हुए पहले, क्योंकि जब भी ये इंसिडेंट होता है तो पार्शियली रिफ्रैक्टेड होगा और थोड़ा बहुत रिफ्लेक्शन होगा, लेकिन इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा है ओनली फॉर रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्लियर। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत थियरी में लिखा है एक बार पढ़ लेता हूँ, एज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस सो डज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जब जब हम एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो होगा वो भी बढ़ता जाएगा, और हमें कब तक करना है टिल फॉर द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज पाई बाय टू, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पाई बाय टू ना हो जाए तब तक हमें ये जो एंगल है वो बढ़ाते रहना है। उसके बाद क्या होगा
इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इंक्रीज स्टिल फर्दर, अगर हम उससे भी ज्यादा मतलब जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है तब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला उससे भी अगर हम ज्यादा बढ़ाते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल एंड द इंसिडेंट रे इज टोटली रिफ्लेक्टेड, उस वक्त रिफ्रैक्शन जो होगा वो पॉसिबल नहीं होगा, मतलब ये जो रे होगा वो टोटली रिफ्लेक्ट होकर वही मीडियम में वापस आएगा और दिस इज कॉल्ड द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और इसी फिनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नाउ इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वन टर्म इज क्रिटिकल एंगल दैट इज अ डिनोटेड बाय आई से, तो क्रिटिकल एंगल जो है वो क्या है उसके बारे में बात करें, द एंगल ऑफ इंसिडेंस कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल, दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस, क्रिटिकल एंगल इज वन टाइप ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, कब एंगल ऑफ इंसिडेंस लेने का, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है तब हमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। मैं आगे की फिगर जो बताई मैंने है मैं फिर से एक बार बता दूं कि मान लो कि ये नॉर्मल है, आपने ये जो रे है वो इंसिडेंट करवाया, तो ये नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो गया जिसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल एंगल ऑफ इंसिडेंस। बट अगर इस एंगल पर आप ये रे को इंसिडेंट करवाते हो और उस वक्त ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इस तरफ जाता है, मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 हो जाता है, तो जब रिफ्रैक्टेड एंगल 90 है तब एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्रिटिकल एंगल। दिमाग में बैठ रहा है पूरा, तो क्रिटिकल एंगल दैट मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच रिफ्रैक्टेड एंगल इज 90, क्लियर। जब रिफ्रैक्टेड एंगल या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 है तब जो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस मिलता है उसी आई को हम क्या बोलते हैं, आई सी नॉर्मली। तो अब बात करते हैं हम अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, जैसे हमें पता है स्नेल्स लॉ दैट मीन्स एन वन साइन आई सेकंड लॉ, क्लियर। तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ये मैं फिर से बता दूं क्योंकि एन टू वन बराबर हमने क्या लिखा था, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, एन टू वन की जगह हम एन टू डिवाइड बाई एन वन लिख सकते हैं, साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर, ऐसे आपको याद रखना है। तो एन वन साइन आई इज इक्वल टू एन टू साइन आर। अब जब आर बराबर 90 पुट अप करते हो तब आई कितना हो जाएगा आई सी, जब आर बराबर 90 है तब आई कितना हो जाएगा आई सी के बराबर। तो यहाँ पर साइन आई सी को सब्जेक्ट बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, एन टू डिवाइडेड बाई एन वन, साइन 90 की वैल्यू कैसे क्या है 1, सो साइन आई सी बराबर क्या फॉर्मूला मेरा हमें एन टू डिवाइड बाई एन वन। अगर हम मैंने आपको जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला थियरी समझाया उसमें हमने क्या किया था, जो डेंसर मीडियम था वो क्या लिया था वाटर, रेरर जो मीडियम था उसमें हमने क्या लिया था एयर। तो अगर हम एन टू, रेरर मतलब एन टू जिसमें से जा रहा है वो एन वन है, ये फॉर्मूला में ध्यान रखो, जिस मीडियम में से रे जा रहा है वो एन वन है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एन वन है, और जिसमें जा रहा है रिफ्रैक्ट होकर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है एन टू। तो यहाँ पर एन टू मतलब क्या है 1, क्योंकि एयर में जा रहा था तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैसे 1, और अगर वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अगर हम n लेते हैं, सपोज वाटर ना होते हुए कोई भी दूसरा मीडियम है जो डेंसर है उसका अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n लेते हैं, मतलब कोई भी डेंसर मीडियम में से जब रेरर जाता है, अगर रेरर को हम ऑलवेज एयर तरीके से ले तब की बात में कराओ, तो अगर रेरर में अगर हम एयर लेते हैं तो एन टू बराबर 1 ले सकते हो, और एन वन की जगह जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जो भी मीडियम डेंसर दिया है उसको अगर हम एन लेते हैं तो साइन आई सी बराबर आप 1/n भी लिख सकते हो, क्लियर। मतलब मेन फॉर्मूला यही है, लेकिन अगर रेरर जो मीडियम है वो अगर एयर है तब की बात करिए। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इसके बेसिस पर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के काफ़ी सारे न्यूमेरिकल आते हैं, बाकी एक यही फॉर्मूला है पूरी थ्योरी के हिसाब से बोले तो, लेकिन आपको ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो मैं समझाऊंगा, उसके बेसिस पर
न्यूमेरिकल भी आते हैं, तो उसकी बात करें पहले। तो यहाँ पर समझो मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है, क्या लिया है कि एक मान लो कि कोई बीकर टाइप है सपोज, उस बीकर में हमने क्या किया है, एक वाटर फिलअप किया है, वाटर फिलअप किया है, तो यहाँ पर बॉटम में एक लाइट है, समझना पूरा कॉन्सेप्ट में जो बता रहा हूँ। यहाँ पर लाइट सोर्स है, पॉइंट लाइक लाइट सोर्स है। अगर हम इस लाइट को ऊपर जाने दें तो क्या होगा कि ये जो लाइट होगी वो ऐसे जाएगी तो रिफ्रैक्ट होकर बाहर निकल जाएगी, क्योंकि ये एयर है ऊपर का भाग, ये वाटर है, और वाटर एयर के बीच का जो इंटरफेस होगा वहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, तो ऑब्वियसली ये जो लाइट होगी वो बाहर आ सकती है। लेकिन ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम इसकी डेप्थ जो है वो बढ़ाए, क्लियर, इसकी डेप्थ है बढ़ाए, या फिर मान लो कि बकेट यहाँ तक है और उस वाटर को फिलअप करें ताकि जो डेप्थ है वो ऑटोमेटिकली बढ़ती रहेगी, क्लियर, तो ऐसी कोई कंडीशन आ सकती है कि ये जो लाइट है वो बाहर हमें दिखाई ना दे, क्लियर, बीचों बीच में सोर्स है, लाइट भी ऑन है, लेकिन ये जो लाइट है वो बाहर ना आए, ऐसी कोई कंडीशन है, तो वो कंडीशन कैसे मिलेगी वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो समझो कि मान लो कि यहाँ से लाइट जे रे है वो यहाँ पर गया, यहाँ पर लाइट रे वो गया, क्लियर, अगर वो बाहर ना जाए उसके लिए कंडीशन क्या होगी कि अगर ये जो लाइट रे है वो ऐसे चला जाता है, क्लियर, यहाँ से कोई रे निकला और वो भी अगर ऐसे चला गया तो क्या होगा, वो ऊपर तो जाएगा नहीं, लाइट रे ऐसे चला गया मतलब हमें यहाँ पर लाइट दिखेगी नहीं, सिंपल सी बात यह है। तो लाइट रे देखने के लिए हमें क्या करना पड़े, मतलब ऊपर अगर लाइट आ रही है ऐसा देखने के लिए क्या होना चाहिए, ये लाइट रे जो है वो ऊपर जाने चाहिए। लेकिन अगर इस कंडीशन को हम फॉलो करें कि ये जो है वो इस तरफ चला जाए, ये रे इस तरफ चला जाए, मतलब ये जो इंटरफेस है वाटर एंड एयर का जो इंटरफेस है उसके पैरेलल में अगर रे चला जाता है तो यहाँ पर क्या होगा, रिफ्रैक्शन नहीं होगा, और रिफ्रैक्शन नहीं होने की वजह से क्या होगा कि हमें लाइट जो है वो ऊपर नहीं दिखेगी। तो लाइट रे ऊपर ना देखने के लिए कंडीशन क्या है, तो समझो तो ये इस तरफ जाना चाहिए, मतलब ये जो एंगल है वो कौन सा होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। समझो कि ये इंटरफेस है, ये क्या है 90 है ना भाई, परपेंडिकुलर है उसका, तो ये नॉर्मल हो गया। ये क्या है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का एंगल आई है, लेकिन वो आई क्या होगा, क्रिटिकल एंगल, क्योंकि ये ऑलरेडी इस तरफ जा रहा है, यही कंडीशन को मैच करें हम, तो अगर इस तरफ जा रहा है तो ये क्या होना चाहिए, आईसी होना चाहिए। अगर ये आईसी है तो ये भी आईसी होगा, क्योंकि ये मान लो कि इस तरफ होता है, ये एंगल जो होगा वही एंगल ही होगा, तो ये आईसी हो गया। अब समझो मान लो कि कोई बीकर है, उसका रेडियस सपोज कितना है, आर है, तो ये इसका रेडियस हो गया, ये भाग जो है कितना, ये इसका रेडियस है, ये मान लो कि उसका हाइट है, मैंने यहाँ पर लिखा है h, समझना पूरा कॉन्सेप्ट, ये क्या है, रेडियस r है, ये हाइट h है, तो ये रेडियस h उसके बीच का रिलेशन क्या है, मैंने आपको अभी बताया क्वेश्चन कि भाई डेप्थ कितनी होनी चाहिए या फिर उसके लिए रेडियस कितने रखने पड़े, ऐसे भी क्वेश्चन आए, तो ये रेडियस h उस सभी का रिलेशन क्या होगा जब ये लाइट रेज जो है वो बाहर हमें नहीं दिखाई देगी। तो यहाँ पर समझो, ये मान लो कि मैं यहाँ पर पी, ये Q, और यहाँ पर सब कुछ R में लिख देता हूँ, तो फ्रॉम ट्राइंगल PQR आप देख सकते हो, तो उसमें अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सपोज साइन IC, फिर से मैं लिखता हूँ, यहाँ पर लिखा है वैसे साइन IC, मतलब ये देखते हो ट्राइंगल, आप राइट एंगल ट्राइंगल है वैसे PQR, ये राइट एंगल ट्राइंगल में साइन IC मतलब ऑपोजिट डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हाइपो पी आर, लेकिन पी क्यू दैट मीन्स आर एंड पी आर दैट मीन्स हाइपो, लेकिन ये आप देख सकते हो कि एडजशन आर है, ये ऑपोजिट कितना है सॉरी, और ये एच है, ये आर है, तो हाइपो कितना हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर किसके बराबर, साइन आई सी के बराबर, और अगर ये जो है वो एयर है तो साइन आई सी बराबर क्या हो जाएगा, वन अपॉन एन, तो 1 अपॉन n बराबर कह सकते हो आप r अंडर रूट r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ये समझ में आ गया पूरा,
तो वन अपॉन एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला भी याद रख सकते हो आप, पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया। तो इसके बेसिस पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के जो न्यूमेरिकल है वो आ सकते हैं। नाउ एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो अभी हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट पूरे का पूरा पढ़ लिया है। अब उसका एप्लीकेशन कहाँ पर है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला जो कॉन्सेप्ट है, वो जो पूरा फिनोमिनन है वो कहाँ पर यूज होता है, उसकी बात करते हैं हम। तो जनरली ये जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है वो किस में यूज होता है, ऑप्टिकल फाइबर में। तो इस तरीके से भी अगर थियरी आए या फिर क्वेश्चन आए बोर्ड के एग्जाम में, तो उसके लिए पूरा थियरी मैंने लिखा है, आप ये पूरा थियरी लिख सकते हो। तो एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसमें हम बात करेंगे ऑप्टिकल फाइबर में, उसका यूज कैसे होता है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली किसके लिए होता है, तो नाउ योर डेज ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सटेंसिवली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग ऑडियो एंड वीडियो सिग्नल थ्रू ए लॉन्ग डिस्टेंस। अगर हमें ऑडियो या फिर वीडियो सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस में भेजना है तो उसके लिए हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कैसे करते हैं, उसकी बात करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑप्टिकल फाइबर का डायग्राम बनाया हुआ है। ये जो अंदर का भाग है उसको हम बोलेंगे कोर, और ऊपर जो लेयर होता है, आपने वायर देखा होगा, चैनल का वायर भी देखा होगा, उसमें बीच में से वायर जाता है और उसके ऊपर क्या होता है, लेयर होता है। सेम थिंग यहाँ पर ये होगा कोर, अंदर का भाग, बाहर जो होगा उसको हम बोलेंगे क्लेडिंग। अब इसमें क्या होगा कि जो अंदर का भाग कोर है, कि जहाँ से हम लाइट जो है वो पास करेंगे, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर मैंने लिखा है जो अंदर का भाग जो है वो कोर है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, और बाहर का जो भाग क्लेडिंग उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, कम। क्योंकि ऐसा रखने से हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर पहुंच पाएंगे। समझो पूरा, कि जब भी यहाँ पर हमने लाइट रे जो है वो इस ऑप्टिकल फाइबर में इंसिडेंट करवाया, तो क्या होगा, तो इस तरफ जाता है सपोज, तो ये एक्चुअली क्या है, डेंसर मीडियम है, क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई है, तो ये डेंसर मीडियम है। ये ऊपर वाला जो है वो क्या है, रेरर मीडियम है, बिकॉज ऑफ उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। तो डेंसर में से जब रेरर में जाता है तभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो पाता है। अगर आप बोलो कि रेरर में से डेंसर में जाता है और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए हमेशा डेंसर में से रेरर में रे जाना चाहिए। तो यहाँ पर लाइट जो है वो डेंसर में से रेरर में जाती है, तो यहाँ पर एंगल कुछ ऐसा होगा कि जो कि क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली क्या होगा कि रे जो है वो वापस आएगा। यहाँ पर सेम थिंग, फिर से वो कंडीशन मैच होगी, तो फिर से क्योंकि काफ़ी सारे रे होंगे, तो कोई ना कोई जो रे है वो तो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस होता हुआ, तो यहाँ पर क्या होगा कि एंगल जो होगा, ये जो रे है वो आगे जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर लाइट रे है, बीम ऑफ लाइट एक्चुअली, और बीम ऑफ लाइट में काफ़ी सारे रे होते हैं, और कोई ना कोई रे यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल पर इंसिडेंस होगा, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और उसकी वजह से ये जो लाइट रे है वो आगे जाएंगे। और दूसरा इसका बेनिफिट क्या होगा कि उसकी इंटेंसिटी जो होगी वो ज़्यादा कम नहीं होगी। तो ये जो लाइट रे है वो यहाँ से इंसिडेंट करवाया तो यहाँ तक पहुँच पाता है, दूसरे एंड तक पहुँच पाता है। और दूसरा बेनिफिट ये भी है कि अगर ये सीधा ना हो, बेंड हो, तो भी चलेगा, तो भी लाइट रे जो है वो आगे बढ़ पाती है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। अब उसका थ्योरी थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ऑप्टिकल फाइबर्स आर फैब्रिकेटेड विथ हाई क्वालिटी कंपोजिट ग्लास क्वार्ट्ज फाइबर्स। किसमें से बनता है, ग्लास या फिर क्वार्ट्ज में से। इच फाइबर कंसिस्ट ऑफ ए कोर एंड क्लेडिंग, जिससे मैंने आपको बताया कि अंदर का भाग जो है वो कोर है, बाहर का भाग होगा जिसको हम बोलेंगे क्लेडिंग। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर इज हायर देन दैट ऑफ द क्लेडिंग। ये क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एमसीक्यू में या फिर वन मार्क्स क्वेश्चन, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द कोर जो होगा वो क्या होगा, हायर होगा क्लेडिंग से। व्हेन अ सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट इज डायरेक्टेड एट वन एंड ऑफ द फाइबर, जब कोई सिग्नल को लाइट के फॉर्म में यहाँ पर इंसिडेंट करवाते हैं, तो फाइबर सुटेबल एंगल इट अंडरगोज रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और वो क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली कंडीशन में आ जाएगा, और इसकी वजह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और वो आगे बढ़ पाएगा।
एंड कम्स आउट एट द अदर एंड, और वो बाहर निकल जाएगा. क्लियर. ऑप्टिकल फाइबर्स आर एक्सट्रीमली यूज फॉर ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर कन्वर्टेड टू लाइट बाय सुटेबल ट्रांसड्यूसर. और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि ऑप्टिकल फाइबर जो है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ट्रांसमिट या फिर रिसीव करने के लिए यूज होता है. अब इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम इसमें नहीं भेज सकते, ऑप्टिकल फाइबर में हम हमेशा लाइट को ही भेज सकते हैं. तो पहले क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होगा उसको हम लाइट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद उसको इसमें ऑप्टिकल फाइबर थ्रू पास करेंगे, और यहाँ पर जो लाइट मिली उसको फिर से हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे. और वो कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ट्रांसड्यूसर का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ट्रांसड्यूसर इज़ द डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब अगर इलेक्ट्रिकल सिग्नल है उसको लाइट में कन्वर्ट करना है, या फिर लाइट है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम ट्रांसड्यूसर का यूज़ करते हैं. तो ट्रांसड्यूसर के जरिए हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट में कन्वर्ट करेंगे, और लाइट जो होगा वो ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू यहाँ पर पहुँचेगा. तो इस तरीके से भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट या फिर रिसीव करने में हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ करते हैं. दूसरा एक एग्जाम्पल बताऊँ, इलेक्ट्रिक लैंप जो लाइटिंग लैंप है, एक्चुअली डेकोरेटिव लैंप है. तो डेकोरेटिव लैंप में क्या होता है कि ये प्लास्टिक फाइबर्स यूज होते हैं. उसमें क्या होता है कि ऐसे फाउंटेन टाइप उसका स्ट्रक्चर होता है पूरा, आपने देखा भी होगा. क्लियर. तो ये पूरा क्या है, फाइबर है. अब फाइबर और नीचे क्या होगा, ये जो एंड हो गया वो फ्री होंगे. अब यहाँ पर क्या होगा, बल्ब होगा. तो जैसे ये इसके दूसरे एंड जो है वो कहाँ पर होंगे, बल्ब पर होंगे, और ये जो एंड है वो क्या होंगे, फ्री होंगे. जैसे ही आप बल्ब को ऑन करते हो तो लाइट जो होगी वो यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से पास होगी, और लाइट रे जो है वो यहाँ पर थोड़े बहुत डिवाइड हो जाएंगे. तो यहाँ पर थोड़ा बहुत हिस्सा यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर जाएगा, और ये ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू लाइट यहाँ पर पहुँचेगी. तो आपको यहाँ पर पॉइंट लाइक दिखाई देगा. एक्चुअली लाइट यहाँ पर नहीं है, लाइट कहाँ पर, यहाँ पर, लेकिन वो ट्रैवल होती है तो वो आपको दिखता है. अगर ओनली फॉर लैंप होता तो वो यहाँ पर फैल जाएगी, वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है. मेन थिंग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर का मेन थिंग वही है कि वो ज़्यादा डिस्टेंस तक उसको ले जा पाता है. आप नॉर्मली बल्ब को देखो तो लाइट जो होगी वो फैल जाएगी, लेकिन अगर यहाँ पर आपने ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ किया है तो आपको सीधा यहाँ तक या फिर यहाँ पर वो आप वो फाउंटेन की तरह आपको दिखाई देगा.